नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई के बारे में। जी हाँ साथियों, दुबई की ओनली फॉर दुबई की ही न्यूज़ है हकीकत। तो अगर बात करें वी में, तो एक आपको पता है भाई वी के पूरा अलग अलग स्टेटों के सबके अलग अलग नियम होते हैं। दुबई से रिलेटेड बात करेंगे, कुछ अच्छी अपडेट ही बात करेंगे, फिर हम थोड़ा सा अपनी राय भी रखेंगे कि यूएई सरकार की क्या सोच है। हम विजिट वीजा वालों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है भाई विजिट वीजा को एंट्री मिल गई है। कल की अगर न्यूज के हिसाब से देखा जाए तो भाई विजिटर लोगों को भी एंट्री मिल चुकी है। जी हाँ, विजिटर वीजा के बारे में बात करेंगे, वर्क परमिट वीजा के बारे में भी बात करेंगे। जी हाँ, कौन लोग किस तरह से जा सकता है। यूएई ने दो तरह के गेम खेले हैं भाई, अगर जाते हो तो भी हमें पैसे देके जाने पड़ेंगे, आओगे तो भी पैसे देके जाने पड़ेंगे। पूरा हम माजरा आपको समझाएंगे, पूरा भाई वीडियो देखिए, जो लोग दुबई जाना चाहते हैं या दुबई से भी इंडिया आना चाहते हैं उन लोगों के लिए। जी हाँ, वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको वीए से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जी हाँ, सबसे पहले बात करें भाई, अच्छी न्यूज ये है कि विजिटर्स लोग अगर आप दुबई जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। कौन कौन बता दें, सबसे पहले 6 देशों के लिए वी सरकार ने, हालांकि वी की बात नहीं कर रहे हैं, दुबई की बात कर रहे हैं, दुबई सरकार ने इजाज़त दे दी है। भारत, नेपाल, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और युगांडा, ये जो 6 देश हैं, इन 6 देशों के लोग अगर आप विजिट वीज़ा आपके पास है, वैलिड वीज़ा, तो आप दुबई जा सकते हैं। अब आपको दुबई किस तरह से जाना होता है वो देख लीजिए भाई। इनमें भी कंडीशन रख दिया वी सरकार ने, क्या कंडीशन रखी है बता दूं। आपने मान लीजिए, देखिए वी सरकार की चालाकी तो आप समझ ही सकते हैं कि वीज़ा विजिट वीज़ा दे रही है, रेगुलर 4 महीने से वीज़ा दे रही है, फ्लाइट बंद करके बैठी है, सबको पता है। जी हाँ, अब उनमें से विजिट वीज़ा 100 लोगों ने अप्लाई किया, 100 के 100 लोगों को विजिट वीज़ा मिल गया, नो डाउट। आपके पैसे कहाँ चले गए, यूएई के गवर्नमेंट के पास चले गए, बदले में उन्होंने आपको एक कागज़ का टुकड़ा दे दिया जो आप अपने पास रख सकते हैं, उससे आप दुबई नहीं जा सकते, बस आपको देखने के लिए मन में संतुष्टि हो जाओ, मन में मोतीराम, हमारे राजस्थानी में कहावत है, हो जाओ कि मेरे पास वीज़ा है। जैसे वी सरकार दुबई फ्लाइट ओपन, हम लोगों को फ्लाइटें तो ओपन है, हम लोगों को इजाज़त देगी तो हम दुबई पहुंच जाएंगे। और वो लोग 90% वो लोग हैं जो विजिट वीज़ा में जाके वहाँ जॉब करना चाहते हैं। जी हाँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। 10% लोग रियल में वो है जो टूरिस्टर हैं या फिर अपने काम से जाना चाहते हैं। जी हाँ, अब देखिए वी सरकार ने जो वीज़ा चालू किए हैं उनमें वीज़ा चालू कर दिए, सब कुछ आपको पता ही है, उन लोगों को फ्लाइटें ओपन कर, उन लोगों को इजाज़त दे दी कि जो लोग दूसरे देश में यानी थर्ड कंट्री में 14 दिन पहले आप जाओ बिताओ, उसके बाद आप दुबई जा सकते हो। जी हाँ, यानी एग्जांपल के तौर पे आप इंडियन हैं, आपके पास वैलिड वीज़ा है, तो आपको सबसे पहले दूसरे देश में, चाहे मान लो आप कतर जाओ, चाहे आप मालदीव जाओ, चाहे आप अदर कंट्री कोई भी जाओ, वहाँ पे आप 14 दिन रुको, आपके पास पासपोर्ट में एंट्री मिल जाएगी, वो तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जाओगे किसी मालदीव में या कतर में, तो आपके जैसे आज पहुँचे कतर में, उसके 14 दिन बाद आप दुबई जाओगे तो वो एंट्री पासपोर्ट में मिल जाएगी, तो उनको पता लग जाएगा भाई हाँ ये 14 दिन बंदा थर्ड कंट्री में जाकर फिर दुबई आ रहा है। अब देखिए इसमें एक चक्कर क्या है मैं बता दूँ, अब आप जैसे 14 दिन बिता के दूसरे देश में जा सकते हैं, वो लोग कौन होंगे, जैसे 100 लोगों को दुबई ने वीज़ा दिया, मैंने एग्जांपल बताया, उसमें से वो लोग 10 ही लोग होंगे, ये तय है, वो 10 लोग कौन होंगे भाई, जिनके पास पैसा अक्षरा होगा। आप मान सकते हैं कि विजिट वीज़ा आप जा रहे हो घूमने के लिए नहीं जा रहे हो, आपके पास आपने वीज़ा लिया किस सोच से कि यहाँ से विजिट में जाके वहाँ वीज़ा जॉब अप्लाई करना, कंपनी में जॉब लग जाना, आपका टारगेट ये था, इसीलिए आपने वीज़ा लिया। अब उसमें से वही लोग, देखिए दुबई सरकार गेम माइंड खेल रही है, उनको पता है कि जो लोग 14 दिन दूसरे देश में रह के फिर दुबई आएंगे वो ऐसे नॉर्मल लोग नहीं होंगे, उनके पास पैसा होगा वही लोग दुबई पहुंचेंगे। और वी सरकार की भाई खासियत हमेशा वर्ल्ड में रही है, आप देख सकते हैं कि वो पैसों को ज़्यादा तवज्जो देती है, इसीलिए वो लोग आगे सोचते हैं, वो लोग 10 साल एडवांस चल के रहते हैं भाई, इसीलिए वो आगे है, समझ रहे हो बात को। तो उनका एक प्री प्लान सक्सेस हो गया, अब उसमें फिर वो लोग वीज़ा चालू हैं तो 14 दिन दूसरे देश में रुक के आप जाओ तो पैसे वाले लोग पहुंच पाएंगे। आम आदमी जो जॉब से रिलेटेड जाना चाहता है वो इतनी रिस्क नहीं लेगा कि 14 दिन आप दूसरे देशों में रुकोगे तो 50-60 हज़ार तो उस देश के नाम से एक्स्ट्रा हो गया, समझ रहे हो बात को। फिर जैसे कतर जा रहे हो, कतर एयरपोर्ट पर टेस्ट होना, फिर वहाँ पर दोबारा टेस्ट होना, फिर दोबारा रिपोर्ट लेके आपको। अब देखिए इसमें भी क्या सिस्टम है, ये भी नहीं कि 14 दिन रुक के आप दुबई पहुँच गए, उसमें भी एक कंडीशन है भाई, आप 14 दिन बिता दिए किसी देश में, वहाँ से जब आप दुबई के एयरपोर्ट के लिए जाओगे फ्लाइट के लिए तो आपको टिकट तो करनी है, आपको टिकट तो आपको लेनी पड़ेगी, उसके अलावा आपके पास 48 आवर्स का PCR रिपोर्ट टेस्ट और होना चाहिए अलग से। जी हाँ, वो कहाँ से होगा, जैसे आप कतर से 14 दिन बिता के दुबई जा रहे हैं वहाँ से वहाँ तक का होना चाहिए। जी उसके बाद में बता दूं, आपके पास रैपिड टेस्ट रिपोर्ट 6 घंटे पहले एयरपोर्ट पे जाने के वो आपके पास होना चाहिए। जी हाँ, डोज वाला तो सिस्टम ही हटा दिया भाई, डोज वाला कोई चक्री नहीं है, ये सिस्टम आपके पास होना चाहिए। GDRF अप्रूवल होना चाहिए, सबसे बड़ा पॉइंट माइनस पॉइंट मुझे ये दिखा कि विजिट वीज़ा वालों को भी GDRF अप्रूवल की ज़रूरत है भाई,
उसमें अप्रूवल के बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी एयरपोर्ट पे। अब सेम ये कंडीशन किसके किसके साथ लागू कर दी, जिनके वर्क परमिट होल्डर जो जा रहे थे ना उनके जैसा ही विजिट विजिट वीजा के लिए चालू कर दिया। ये बात मैं पहले भी बता चुका था कि वे सरकार जब भी चालू करेगी तो हार्ड प्रोसेस करेगी, ये नहीं कि आपके पास विजिट वीजा है आपने अभी 14 दिन भी लोग बिता देंगे दूसरे देश में, लेकिन उसमें भी GDRF या अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक बड़ा माइनस पॉइंट है। आप 14 दिन बिताने के बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है भाई आपको अप्रूवल मिले, या फिर आप जब तक पहुंचो तो ये सरकार ये नियम खत्म कर दे, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए रिस्क पे आपकी रिस्क पे आपको सोच के जाना है जो रिस्क लेना चाहते हैं, और उस रिस्क वही लेंगे भाई जिनके पास पैसा है। जो बेचारे जिन्होंने विजिट वीजा इसीलिए लिए थे कि यहाँ से फ्लाइट ओपन होते ही हमारे नाम से हम वहाँ पे जाके जॉब लग जाएंगे, वो नहीं जा सकते इस 14 दिन वाले चक्कर में, नहीं पड़ना भाई वरना आपको नुकसान हो जाएगा। जी हाँ, इसमें भी देखिए आपको एयरपोर्ट पे पहुंचने पे आपका टेस्ट होगा, फिर 9वें दिन फिर आपका टेस्ट होगा दुबई में पहुंचने के बाद, फिर आपको रिपोर्ट मिलने के बाद आप अपने, यानी एक लंबा प्रोसेस है। हालांकि इनको इसको कब तक ये खत्म हो जाए, हो सकता है 5-7-10 दिन के बाद में ये रोल आ जाए भाई डायरेक्ट आप पहुंच जाओ, तो ऑप्शन है आपके पास, हो सकता है अगस्त या अगले सितंबर में ये न्यूज़ फेस्ट में आ जाए, आनी तय है क्योंकि एक्सपोर्ट 2020 आगे आ रहा है। इसलिए आगे हम बात करें भाई रेजिडेंशियल होल्डर जिनके वीजा एक्सपायर हो गए उनका क्या है। तो अभी जो कल की लेटेस्ट न्यूज़ है उनमें मैं बता दूं 10 नवंबर तक आपके वीजा एक्सटेंड कर दिए गए हैं। जी हाँ, अब एक्सटेंड किन के हुए हैं, जिन्होंने मान लीजिए आप दुबई में थे और आपको 180 दिन अपने अपने देशों में हो चुके हैं, जैसे आपको इंडिया है 180 दिन हो गए, जी हाँ, या 6 महीने हो गए हैं, इसका मतलब क्या है समझ रहे हो, आपको के ऊपर लागू नहीं होगी। 20 अप्रैल के बाद में जो लोग आए हैं ना, 20 अप्रैल 21 अप्रैल 22 अप्रैल 23 मई अप्रैल के बाद में जो इंडिया पहुंचे थे उनका ही ये वीजा 9 नवंबर तक मान्य होगा, यानी 20 अप्रैल 2021 से लेकर 9 नवंबर 2021 के बीच में जिनके लोगों के वीजा एक्सपायर हुए हैं उन्हीं का वीजा एक्सटेंड होगा। 19 अप्रैल को भी आप अगर इंडिया पहुंचे तो आपका वीजा एक्सटेंड नहीं होगा, वो खत्म हो गया, उसको छोड़ दो, आप अपने नए प्रोसेस में आ जाओ। जी हाँ, तो इस बात का आपको ध्यान रखना जरूरी है। जी हाँ, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 20 अप्रैल से लेके 9 नवंबर तक, यानी नवंबर के बाद में भी अभी भी जैसे धीरे धीरे लोगों के वीजा एक्सपायर होंगे ना उनका भी ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाएगा, आगे भी 9 नवंबर तक जिनके वीजा खत्म होंगे उनको भी 10 दिसंबर तक ऑटोमेटिक रिन्यू कर दिया जाएगा, तो वो लोग GDRF अप्रूवल लेके दुबई जा सकते हैं। जी हाँ, दूसरा गेम सुन लीजिए भाई, वही सरकार दुबई की हम बात करें, दूसरा पहला गेम मैंने बता दिया कि विजिट लोगों को हम वीजा दे रहे हैं 14 दिन दूसरे देश में बिता के पैसे वाले लोग हमारे देश में पहुंच सकते हैं। अब देखिए दुबई सरकार ने कल एक नियम और निकाला है, उन्होंने क्या बोला है, हम उन लोगों को दुबई में 14 दिन का ऑन अराइवल वीजा देंगे, बिना पैसे वीजा देंगे, जिनों के पासपोर्ट में UK का USA का या ग्रीन कार्ड है, यानी जो लोग इंडिया आना चाहते हैं जैसे इन देशों के, जैसे इंग्लैंड का, अमेरिका का, या फिर इनके पास में ग्रीन कार्ड है, यानी ये देश इन देशों में जो लोग रहते हैं पैसे वाले हैं, सीधी बात है डॉलर में कमाते हैं, तो वो लोग अगर चाहें तो डायरेक्ट दुबई इंडिया नहीं आके वो लोग पहले दुबई पहुँचे, उनको 14 दिन फ्री ऑफ कॉस्ट यानी उनसे वीजा का पैसा नहीं लिया जाएगा, ऑन अराइवल उनका रहेगा, 14 दिन वो दुबई में रह सकते हैं, वहाँ की जो डॉलर लाके हमारे देश में खर्च करो, 14 दिन होटलों में रहो, क्योंकि 14 दिन के लिए रहेंगे और भाई यूके इंग्लैंड वाले तो होटलों में रहेंगे ना, सीधी सी बात है, तो उनके डॉलर में वो खर्च करेंगे, तो उन लोगों को हम इजाज़त देते हैं कि 14 दिन वो हमारे देश में आके रह सकते हैं, उसके बाद में वो अपने देश इंडिया जा सकते हैं। देखिए दुबई का डबल गेम हो गया ना ये, यानी दुबई लोगों को अपने देश में बुला रही है, ठीक है, उनको भी थर्ड कंट्री के द्वारा बुला रही है, एक तो 14 दिन वो दूसरे देश में बिता लेंगे तो उनको कोरोना का लक्षण का कोई खतरा नहीं रहेगा, वीजा सरकार को, जो लोग 14 दिन दूसरे देश में बिता के आएंगे वो सेफ आएंगे, इसलिए उनको वैक्सीन का सर्टिफिकेट का कोई चक्कर ही नहीं रखा उनके लिए, ठीक है जी, PCR टेस्ट उनके 2 होंगे, ठीक है, उनसे फिर पैसे वाले लोग आएंगे फालतू का, जिनको वो समझती है कि जो गरीब मजदूर बेचारे जो विजिट वीजा इसीलिए लेके बैठे हैं कि उनको दुबई में जॉब करना है, उनको हम कट कर देंगे, मैटर खत्म, उसका झाड़ पूछ के वीजा का पैसा दे दिया फिर भी आप अपने देश में रहो, ये तो हो गया ये सिस्टम कि इन देशों के 6 देशों के लोग दुबई आ सकते हैं थर्ड कंट्री 14 दिन बिता के। अब दूसरा गेम ये समझ सकते हैं कि भाई जो लोग डॉलर में कमाते हैं जैसे अमेरिका USA में, वो लोग हमारे देश में आओ 14 दिन यहाँ रहो, हमें यहाँ पे आप इन्वेस्ट करो, यहाँ पे शॉपिंग करो, यहाँ पे पैसा खर्च करो, अगर 14 दिन में आप 1,000-1,500 डॉलर भी खर्च करते हैं तो आप उसके बाद में खर्च करके हमारे देश में पैसा देके फिर आप दुबई के एयरपोर्ट से आप इंडिया एयरपोर्ट जा सकते हो। जी हाँ, देखिए समझ में आई आपको दुबई की डबल माइंड स्ट्रेटजी, ये है भाई दुबई का गेम प्लान, और इसीलिए दुबई आगे है। दुबई आज तक हम कहाँ सोचते हैं भाई, इंडियन लोग हैं, आज 2021 चल रहा है, हम 2025 तक की सोचते हैं भाई, 2025 तक ही हो जाएगा, अरे भाई वो 2035 का प्लान लिए बैठे हैं, ये सच्चाई है। इसीलिए ये मोटा मोटा पैसा, ये सिस्टम, इसीलिए यार छोटा सा एक दुबई है पूरे 200 देशों की, भाई दुबई में देखो ना UK के USA के लोग भरे पड़े हैं,
आप समझ सकते हैं कि एक का जहाँ पे 80 रुपये बन रहा है वो भी दुबई में बैठा है, एक का 20 रुपये बनने वाली कंट्री में। क्यों? क्योंकि उनका गेम माइंड प्लान है पूरा का पूरा। इसी तरह से वो लोग भी वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, पैसा कमाते हैं, आप समझ सकते हैं भाई। तो ये एक एक्सपो 20 आ रहा है, बड़ा गेम माइंड है भाई दुबई सरकार का, इतना बड़ा गेम माइंड है कि आप सोच नहीं सकते। वो इतना इन्वेस्ट करवाना चाहते हैं दुनिया से कि पूरा वर्ल्ड दुबई पे निर्भर हो जाए, वहाँ पे इतना इन्वेस्ट हो जाए। यानी हालांकि जगह कम है, सिस्टम कम है, टेक्नोलॉजी भी कम है, लेकिन वो विदेशों से आयात कर लेते हैं भाई। देखिए गोल्डन वीज़ा का, दुबई सरकार ने गोल्डन वीज़ा स्टार्ट कर दिए हैं, 1 लाख गोल्डन वीज़ा अभी देने वाली है वही सरकार। गोल्डन का क्या मतलब होता है भाई? गोल्डन वीज़ा का मतलब ये है कि जो वर्ल्ड लेवल पे गोल्डन लोग हैं, अच्छे अच्छे क्वालिटी के, शुद्ध मात्रा में 24 कैरेट का जो गोल्ड है, जो लोग बैठे हैं, साइंटिस्ट हैं, खिलाड़ी हैं, या फिर बिजनेसमैन हैं, या कोई भी XYZ जो बड़े बड़े लोग हैं, उनको वीही में बसाना, उनको रखना 10 साल के लिए, उनको वीज़ा दे दिया ताकि उनकी टेक्नोलॉजी से हम उनको आगे बढ़ सके। जी हाँ, ये प्लान है भाई। दुबई में खुद के लोगों के पास क्या है? कुछ नहीं है वो तो, ठीक है, पैसा उनके पास है और लगभग का सिस्टम ही एक ऐसा बना है, थोड़ी सी आबादी है, पैसा बहुत है, वी सरकार सिस्टम चलता रहता है और वो बैठे रहते हैं वहाँ पे, शेर वो बाज और वो पालते रहते हैं उनकी। अब बस उनका क्या है और कुछ नहीं, उनके शिक्षकों के बच्चे हैं वो UKVSA में रहते हैं, वहाँ पे पढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी है कहाँ दुबई में? तो बाहर की टेक्नोलॉजी है पूरी की पूरी। सबसे ज़्यादा इंडियन लोग मिल जाएंगे आपको, पाकिस्तानी मिल जाएंगे, बाकी और देशों के लोग मिल जाएंगे, वही लोग बैठे हैं वहाँ पे। तो ये एक प्लान है भाई दुबई सरकार ने। देखिए आते हुए भी पैसे देके जाओ, जाते हुए भी पैसे देके जाओ, ये सच्चाई है। लोग खुश हो रहे हैं, मुझे व्हाट्सअप कर रहे हैं, सर दुबई ने विजिट वीज़ा स्टार्ट। भाई विजिट वीज़ा तो स्टार्ट ही था, बंद कब था बताओगे? 4 महीने से फ्लाइटें बंद थी, वीज़ा तो चालू थे। हाँ ये है कि फ्लाइट इजाज़त दी है उनको थर्ड कंट्री से होके आओ, ताकि जो फ्रेश जो कचरा पट्टी वो उनको मानते हैं, जो जॉब से रिलेटेड जो 10% लोग बचेंगे, 14 दिन दूसरे देश में देके आओ, हमारे देश में वो लोग पैसे वाले होंगे। समझ रहे हो बात को? तो ये है भाई दुबई की सोच और उनका प्लान। बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करना था। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।